नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब प्रोफेसर बन चुके हैं। जी हां, ये कहना है बीजेपी का। बता दें कि जिस तरह से लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव डबल इंजन की सरकार पर हमलावर होते रहते हैं, उसको लेकर अब बीजेपी की तरफ से जवाब दिया गया है। और जवाब में ये बता दिया गया है कि शिक्षा प्राप्त किए बिना ही तेजस्वी यादव जो है वो प्रोफेसर बन चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बीजेपी की तरफ से इस तरह की बातें क्यों कही जा रही है। तो आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने ये समझाया है कि आखिर क्यों तेजस्वी यादव को वो प्रोफेसर कह रहे हैं। बता दें कि निखिल आनंद ने अपने ट्वीट में लिखा है कि पंडित मनोज झा जी ने भाई तेजस्वी यादव जी को ज्ञान का ऐसा मंत्र फूंक दिया है कि उसके बाद से वे बिना मैट्रिक पास किए ही प्रोफेसर बन गए हैं। अब प्रोफेसर तेजस्वी यादव जी को हक तो बनता ही है कि बिहार के इंजीनियर मुख्यमंत्री के ABCD और क ख ग घ के ज्ञान पर टिप्पणी करे। तो ये ट्वीट उस वक्त बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद की तरफ से किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से एक ऐसा व्यक्ति जो खुद मैट्रिक फेल है वो दूसरे इंजीनियर को ज्ञान दे रहा है। यानी कि जिस तरह से तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार को घेरते रहते हैं, उनके जो है विकास कार्य पर सवाल उठाते रहते हैं, इसको लेकर बीजेपी ने आईना दिखाने का काम किया है तेजस्वी यादव को और बताया है कि किस तरह से आप जो है, पहली बात तो आपने 10वीं की परीक्षा भी नहीं दी, आप मैट्रिक फेल हैं और आप किस हक से सीएम नीतीश कुमार को ज्ञान बांटते हैं। इतना ही नहीं, जिस तरह से बेरोजगारी का मुद्दा तेजस्वी यादव की तरफ से उठाया जाता है और हमेशा से ही तेजस्वी यादव ये कहते हुए आए हैं कि इन सभी मुद्दे को लेकर वो सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करते रहेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ अब उन्हें जवाब का भी सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि पहले JDU की तरफ से तेजस्वी यादव के शिक्षा पर सवाल उठाए गए और अब बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने भी ट्वीट करते हुए तेजस्वी यादव पर हमला बोला और बताया है कि किस तरह से एक 10वीं फेल व्यक्ति जो है वो इंजीनियरिंग किए हुए इंसान को सिखा रहा है कि ज्ञान क्या होता है। खास बात यह है कि जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था पर जो है तेजस्वी यादव सवाल उठाते रहते हैं, हम आपको वो भी याद दिलाएं कि जब तेजस्वी यादव कुशेश्वर स्थान जा रहे थे और वहां पर जब उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था तो तेजस्वी यादव ने जनता से यह सवाल पूछा था कि क्या विद्यालय में 10वीं और 12वीं की पढ़ाई होती है, और उसकी एक छोटी सी वीडियो क्लिप भी जो है वो तेजस्वी यादव की तरफ से साझा की गई थी, जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि किस तरह से सीएम नीतीश कुमार का जो विकास है वो सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही सीमित रहता है, जमीनी स्तर पर ये विकास नहीं हुआ है। वहीं अब जवाब मिलने शुरू हो गए हैं तेजस्वी यादव को और बताया जा रहा है कि आपने अभी विकास देखा कहाँ है। सीएम नीतीश कुमार ने कई सारे स्कूल और कॉलेजेस खुलवाए हैं लेकिन आप खुद अज्ञानी हैं, तो आपको ज्ञान की बातें कहाँ से मालूम होगी। और इसके साथ ही उन्होंने RJD प्रवक्ता मनोज झा पर भी हमला बोला। उन्होंने बताया कि मनोज झा प्रोफेसर है और उन्होंने अपनी उसी प्रोफेसरी विद्या का फूंक जो है वो तेजस्वी यादव को दे दिया और इसके बाद ही तेजस्वी यादव प्रोफेसर बन चुके हैं और इस तरह की बातें कह रहे हैं। तो ये बयान और ये हमला इस वक्त बीजेपी की तरफ से RJD पर, तेजस्वी यादव पर, उनकी शिक्षा पर, और साथ ही साथ ये कहने की कोशिश की गई है कि बिना शिक्षा प्राप्त किए किस तरह से तेजस्वी यादव प्रोफेसर बनकर ज्ञान झाड़ रहे हैं। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।